अपना नाम एंट्री करवाएगा कि वो सीख रहा है, बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी प्रकार की बाध्यता नहीं, सब आके सीखे। लेकिन हमारा फोकस रहेगा कि छोटे बच्चे, विशेषकर इतने इतने छोटे बच्चे, वो जान पाए कि कंप्यूटर क्या होता है, चला पाए उसे, किसी से अपने को कम ना समझे। उसके बाद दूसरा प्रयास हमारा रहेगा कि एक यहाँ लाइब्रेरी रहेगी जहाँ पे हर प्रकार की पुस्तकें, कोई भी आप खुद बताएंगे कि हमें इस प्रकार की पुस्तकें पढ़नी है, वो पुस्तकें हम यहाँ लाएंगे। और तीसरी चीज ये रहेगी कि यहाँ पे बोर्ड वगैरह के जब एग्जाम होते हैं तो बिजली की व्यवस्था नहीं रहती है, जिससे बच्चों का समय बर्बाद होता है। तो यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी कि बोर्ड के एग्जाम जब भी हो रहे हैं उसके एक महीना पहले तो यहाँ आएगा, बच्चे यहीं पे रुक के तैयारी करेंगे, पूरी किताबें रहेंगी वहाँ पे, जो बंदा वहाँ पे रहेगा उनको गाइड करेगा और वो यहीं पे पढ़ेंगे, फिर यहाँ से एग्जाम देंगे, घर जाएंगे, खाना खा के फिर वापस आएंगे, पढ़ाई उनकी सारी यहीं रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब हमको देखना यह है, अब ये तो प्रारंभ कर रहे हैं, हमने एक कदम बढ़ा लिया, आपकी तरफ से किस प्रकार का रिस्पॉन्स आता है, किस प्रकार का आप लोग दिखाते हैं अपनी तरफ से इसके प्रति कि कैसे हमको सहयोग कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का लाभ उठाएं और औरों को भी बताएं, क्योंकि ये हम करना चाहते हैं यहाँ पे कि कुछ अच्छा हो। हमारे साथ शांतनु भागवत जी आए हुए हैं, ये इंडियन फॉरेन सर्विस में थे, कुछ इनको बाध्यता, जैसे आपका आईएएस और आईपीएस होता है वैसे आईएफएस होते हैं, तो इनको वहां पे कुछ लगा कि यहाँ पे मैं खुल के काम नहीं कर सकता हूँ, तो इन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद ये इसी प्रकार के कार्य करते हैं। लोगों के हवाले से मिले, हमारे को इन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया, आज इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो मैं इनको लाया अपने साथ। फिलहाल ये जन सेवा में व्यस्त है, कुछ समय ये भारत में बिताते हैं, कुछ समय लंदन में रहते हैं, तो बहुत सौभाग्य हमारा कि आज हमारे बीच आए हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आप लोगों से दो शब्द कहें। आजाद हाउस कैप्टन है, वेरी गुड। बड़ों को प्रणाम और सभी बच्चों को प्यार। सबको भूख लगी है अभी कि नहीं लगी? लगी है कि नहीं लगी? नो, एक घंटा बैठ सकते हो पक्का? बाद में हमें कहोगे कि कहां इतना ज्यादा बोल दिया, तो भूख लगी है ना, तो ज्यादा नहीं बोलेंगे। पांच मिनट और बैठ जाओगे, बस 5 मिनट। तीन बातें कहनी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहले तो तीन बातों के पहले एक बात जो सबसे पहले कहनी है कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, तुम सब लोगों से मिलके, इतने मेहनत से सब लोग यहाँ आके पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ जो सुविधाएं हैं उसका लाभ ले रहे हैं, और इसी से संबंधित तीन बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है, बस तीन बातें याद रख सकते हो, तीन बातें की नहीं है ना, ठीक है। पहली बात, ये जो तीन बातें हैं इनमें कोई नई बात नहीं है, सब तुम्हारे टीचरों ने, घर पे माँ पिताजी सब कहते होंगे, पर फिर से मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए फिर से कह रहा हूँ। सबसे पहली बात, कभी भी मेहनत से मत डरना, समझ आई बात? कभी भी मेहनत से मत डरना, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है, मेहनत आवश्यक है और मेहनत से अगर डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मेहनत से कभी नहीं कतराना, मेहनत से कभी नहीं डरना, पहली बात याद रखोगे, मेहनत करना, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कहाँ पढ़ रहे हैं सब लोग? छोटे से गांव में पढ़ रहे हैं, वाराणसी में नहीं पढ़ रहे, मुंबई में नहीं पढ़ रहे, पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो, है ना? कभी लगता होगा कि हम भी बड़े शहर में जाए, बड़े शहर में पढ़े, है ना, लगता है ना? पर सुनो ध्यान से, यहाँ पढ़ रहे हो फिर भी अपने आप को किसी से कम मत समझना, समझ आई बात? किसी से कम मत समझना, तुम सब बहुत होनहार हो, बहुत मेहनती हो और बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जानते हो, है ना? एक और कविता सुनी है, पढ़ी है, पीछे से बताइए, खुदी को कर बुलंद इतना, पढ़िए कि नहीं? अभी पढ़ोगे, बड़े होगे तो, पर कभी खुद कम, स्वयं को कम मत समझना, तुम किसी से कम नहीं हो, ये समझ आई बात? कोई किसी से कम नहीं है, तुम सब लोग सब कुछ, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, मेहनत करोगे और विश्वास रखोगे तो जरूर कर पाओगे, ठीक है। और तीसरी बात क्या है? पहली बात क्या है? भूल गए पहली बात?
क्या थी पहली बात? मेहनत से मत डरना। दूसरी बात, दूसरी बात क्या थी? भूल गए? अरे हम ही बताइए, हम ही भूल गए, कंफ्यूज हो गए, बता रहे हैं पीछे वाले। याद है पर एकदम बोल नहीं पा रहे हैं ना। खुद को कम मत समझना, स्वयं को किसी से कम मत समझना, ठीक है? अपने आप को किसी से कम मत समझना। तीसरी बात, अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाना, स्वास्थ्य के ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर तंदुरुस्त नहीं होगा, ठीक है, तन शक्तिशाली नहीं होगा, तन मजबूत नहीं होगा, तो बुद्धि नहीं आएगी, समझ आई बात? ठीक है, तो सेहत का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, सेहत का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो इसका मतलब क्या? नियमित रूप से व्यायाम, अच्छा भोजन, अच्छा खाना, फल सब्जियां, ठीक है, सेहत का ध्यान रखना। शरीर तंदुरुस्त रहेगा, शरीर मजबूत रहेगा, तो बुद्धि भी आएगी, मन भी शांत रहेगा, ठीक है? तो सेहत का ध्यान रखना। तीसरी बात, आप बता सकते हैं कोई मुझे तीन बातें क्या थी? बस यही तीन बातें थी। कौन बताएगा बताओ, कौन बताएगा भाई तीन बातें क्या थी? किसी को याद है कि सब भूल गए? देखो सब भूल गए, बताओ, यहाँ बोलो क्या थी तीन बातें? थे एक बात, एक एक करके बताओ। पहली बात कौन बताएगा? आप बोलो, आप बोलो पीछे, हाँ बोलो भाई, हाँ क्या चीज? किसी से कम ना रहो, किसी से कम ना समझो, हाँ किसी से कम ना समझना। अरे ये दूसरी बात थी, चलो ये भी एक बात, ठीक है, अपने आप को किसी से कम मत समझना। मेहनत से मत डरना, मेहनत तो करनी है पर मेहनत से डरना मत। मेहनत करना बहुत कठिन है, कठिन होगा या नहीं होगा? पढ़ाई करना कठिन होता है ना, क्योंकि मेहनत लगती है। टीवी देखना आसान होता है, होता आसान कि नहीं? पर मेहनत से मत डरना। और तीसरी बात क्या थी? मेहनत से मत डरना, खुद को कम मत समझना, अपने आप को कम मत समझना। तीसरी बात, सेहत का ध्यान रखना है ना, शरीर को मजबूत बनाना, तंदुरुस्त बनाना, शक्तिशाली, ठीक है, समझ में आ रही बात है? ध्यान रखोगे? बस अब एक बार आखिरी भाई, खत्म करने के बाद एक और बात, खत्म कैसे करते हो? क्लास खत्म कैसे करते हो? क्या करते हो क्लास में? बताओ, टीचर होती जाओ बात तो चले जाते हो, फिर क्या करते हो? क्या करते हो? क्या क्या बोलो, जोर से बोलो, आवाज जोर से बोलना सीखो, ठीक है, घबराओ मत, शर्माओ मत, जोर से बोलो। क्या करते हो? टीचर सब जाती खत्म हो जाती है क्लास से, क्या करते हो? घंटी बजती है ना, ओके, कभी घंटी रहे नहीं क्योंकि स्कूल तो खत्म हो गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक मिनट ठीक है, आफ्टर दैट आई वांट टू टॉक टू देम, ठीक है। तो मुझे बस तीन बातें कहनी थी, इसको भूलना मत, है ना, मेहनत से मत डरना, अपने आप को कम मत समझना, किसी से कम मत समझो अपने आप को, और किसी अपनी सेहत का ख्याल रखो, ठीक है, ओके। अब मैं बोलूंगा उसको दोहराना जो मैं बोल रहा हूँ उसको, ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।